हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। गाइस, बॉलीवुड में 2.5 किलो का हाथ जब चलता है तो अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसी नारे के साथ सनी पाजी बस कुछ ही दिनों में सिनेमा घरों में धूम मचाने आ रहे हैं। गाइस, गदर 2 से एक बार फिर सनी पाजी तारा सिंह बनकर और अमीषा पटेल सकीना बन के एक साथ बड़े पर्दे पर गदर मचाने आ रहे हैं। गाइस, वहीं उत्कर्ष शर्मा जो कि अब बड़े हो गए हैं और इंडियन आर्मी की तरफ से अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे, तो क्या होगी गदर 2 की लव स्टोरी? तो गाइस, सारी अपडेट जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। गाइस, उससे पहले गाइस, अगर जो आप भी सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा एंड साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, गदर 2 की लव स्टोरी की बात करें तो गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी देखने को मिली थी। गाइस, जो कि दर्शकों ने तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी को बहुत ज्यादा पसंद भी किया था, तो वहीं गदर 2 में अब की बार जीते और सिमरत कौर की लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है। गाइस, मिली सोर्सों से पता चला कि सिमरत कौर जो कि लाहौर की रहने वाली होती हैं और जीते इंडिया के, तो ऐसे में जीते बॉर्डर पर पेट्रोलियम करते समय जीते की नजर सिमरत कौर पर पड़ती है, तो जीते सिमरत कौर के प्यार में फंस जाते हैं। जब वो पाकिस्तान लाहौर जाते हैं सिमरत कौर से मिलने, तो पाकिस्तानियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उन पर बहुत ही जुल्म करते हैं। पाकिस्तानी जनरल बोलता है, कौन आएगा तुझे बचाने? तो ऐसे में जीते जवाब देते हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हो ना, अपने लिए अल्लाह से थोड़ा दुआ मांग लेना, क्योंकि मेरा पॉपी आ रहा है, तेरे इतने टुकड़े करेगा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। गाइस, इस डायलॉग पे तो गाइस सिनेमा घरों में तो सीटियां तो बजने ही वाली हैं। फिलहाल के लिए गाइस, रखते ही पाकिस्तानियों में हाहाकार मच जाता, हाथ में हथौड़ा लिए पाकिस्तानियों को धूल में मिलाते